टाइगर श्रॉफ आज एक स्टार सेलिब्रिटीज में गिने जाने वाले एक पॉपुलर इंडियन अभिनेता है, जिन्होंने बहुत कम समय में ही हिट फिल्म देकर बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। हीरोपंती फिल्म से लोगों के दिलों में घर बसाने वाले, अपने एक्शन सीक्वल के बड़े बड़े आर्टिस्ट को ढेर करने वाले और अपनी स्माइल से करोड़ों गर्ल्स फैंस का दिल जीतने वाले टाइगर श्रॉफ आज अपनी इन्हीं सभी खूबियों के साथ आज इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस दमदार अभिनेता के बारे में तो सब जानते होंगे, पर शायद ही आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इनके परिवार की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप ही इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूथ आइकन टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की ही एक फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनका परिवार शुरू होता है इनके पिता जैकी श्रॉफ से, जिनका असली नाम जय किशन है। वो भी बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता हैं, पर वो एक फिल्मी परिवार से नहीं थे, वो एक गुजराती बिजनेस परिवार से थे जिसका सारा बिजनेस घाटे में चला गया था। फिर उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए मॉडलिंग की और उसी दौरान उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली स्वामी दादा, जिसमें उनका रोल काफी छोटा था, पर इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो से बतौर लीड एक्टर लॉन्च किया, जिसमें उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें काफी सारी फिल्में मिली जिनमें इन्होंने काम किया और इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर साबित हुए। उन फिल्मों में राम लखन, परिंदा, गर्दिश और बॉर्डर जैसी फिल्में शामिल हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के बाद उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड आयशा दत्त से शादी की थी, जो कि एक मॉडल थी, पर बाद में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर वो फिल्मों में काम करने लगी। शादी के बाद आयशा और जैकी दो बच्चों के माता पिता बने, जिनमें एक बेटी कृष्णा और बेटी टाइगर है। जहां आज भी इनकी मम्मी फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम कर रही हैं, तो अब तक कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। वहीं इनके पिता आज भी बतौर एक्टर काम कर रहे हैं, उनकी अपकमिंग फिल्म मुंबई सागा है। माता पिता की बात करें इनकी बहन के बारे में, तो इनकी बहन कृष्णा इनसे छोटी है, जो वर्तमान में 27 साल की है और बतौर फिल्म मेकर काम करती है और अब तक कई शॉर्ट फिल्म का निर्देशन कर चुकी है। वहीं बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो वो उनका हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड इमाम हयाम्स के साथ ब्रेकअप हुआ है। अब बात करते हैं इस फैमिली के स्टार टाइगर श्रॉफ की, जिनका असली नाम जय हेमंत है। इनका जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की। वहीं एमिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो आपको शायद नहीं पता होगा, जब टाइगर का जन्म हुआ तो सुभाष घई जैकी श्रॉफ के घर टाइगर को देखने पहुंचे। इन्हें देखकर सुभाष ने इनके हाथ में 101 रुपए रखते हुए कहा, ये साइनिंग अमाउंट है और तुम्हें बतौर एक्टर में ही लॉन्च करूंगा। पर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्हें एक्टिंग से ज्यादा मार्शल आर्ट्स पसंद आने लगा, इसलिए इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और अच्छे से ट्रेन होने के बाद इन्होंने बॉलीवुड के एक्टर्स को भी फिल्मों के लिए ट्रेन किया था, जिनमें एक नाम आमिर खान का भी शामिल है। इस तरह इन्होंने कई एक्टर्स को ट्रेन किया। ये तो इसी में से अपना करियर बनाना चाहते थे, पर सुभाष घई जो इन्हें बचपन में ही अपनी फिल्म के लिए साइन कर चुके थे, वहीं बड़े होने के बाद उन्होंने प्रोफेशनली तरीके से साजिद नाडियावाले के साथ मिलकर उनको मनाया और इस तरह से इन्हें साल 2012 में फिल्म हीरोपंती के लिए साइन कर लिया, जिसके 2 सालों बाद साल 2014 में इन्होंने इस फिल्म में बबलू का किरदार निभाकर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में लोगों ने टाइगर श्रॉफ को काफी पसंद भी किया था, जिसके चलते आगे भी इन्हें काफी फिल्मों के ऑफर मिलते गए, जिन्हें ये स्वीकार दिए गए और एक के बाद एक कई फिल्मों में काम करते गए, जिनमें बागी, बागी 2 और 3, मुन्ना माइकल, वॉर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसे फिल्में शामिल हैं। वहीं आज भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा हुआ है। इनकी आने वाली फिल्मों में रैम्बो और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में शामिल है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनके अब तक के इस करियर में काफी एक्ट्रेस के साथ इनका नाम जुड़ चुका है, पर अब सबके साथ इनका रिश्ता केवल दोस्ती का है, क्योंकि इनका अभिनेत्री दिशा पटानी के साथ लव रिलेशन चल रहा था।
जिनसे इनकी मुलाकात बेफिक्रे म्यूजिक एल्बम के दौरान हुई थी। कहा जाता है इसी गाने की शूटिंग के वक्त दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, बाद में ये दोस्ती बागी 2 के दौरान प्यार में बदल गई। इसके बाद धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बाद में दोनों ने अपने इस रिश्ते को पब्लिकली भी एक्सेप्ट कर लिया और आज दोनों के रिश्ते को करीब 4 साल हो गए हैं और आज भी दोनों एक साथ और काफी खुश हैं। वही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि टाइगर अब इनसे ही शादी करेंगे। तो दोस्तों, आपको टाइगर श्रॉफ की फैमिली हिस्ट्री जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।